संसद और सांसद में क्या अंतर होता है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि संसद और सांसद में क्या अंतर होता है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट इन दोनों नामों को लेकर के हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इन दोनों से जुड़ा हुआ कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संसद की। संसद, जिसे इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। दोस्तों, भारत की केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है, या यूं कहें कि संसद भारत की केंद्रीय विधायिका होती है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि लोकतंत्र के तीन मुख्य स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उन्हीं तीनों स्तंभों में से एक भारत की विधायिका संसद है। दोस्तों, भारत में संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा संसद के दो सदन होते हैं, सदन जिसे इंग्लिश में हाउस कहा जाता है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें सांसद की, तो दोस्तों सांसद को इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। और दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। अगर हम सांसद के शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इन्हें हर जगह एमपी के नाम से जाना जाता है, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो दोस्तों, संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा या फिर लोकसभा, इन दोनों में से किसी के भी कोई सदस्य होगा तो उसे सांसद कहा जाएगा। यानी कि जो सांसद होते हैं वो राज्यसभा या फिर लोकसभा में से किसी एक के सदस्य होंगे, ठीक है। जैसे कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हें भी सांसद ही कहा जाता है, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हें भी सांसद ही कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो भारत की केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है, ठीक है। और जो केंद्रीय विधायिका के दो सदन हैं, दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके जो सदस्य होते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर ही था। विधायक, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ और हर जगह जरूर शेयर करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।